नए साल पर नए रोल में नजर आए जनरल बिपिन रावत। रावत ने देश के पहले सीडीएस का पदभार संभाला। तीनों सेनाओं की तरफ से बिपिन रावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को बधाई दी। उन्होंने बिपिन रावत की प्रशंसा करते हुए वो एक शानदार अफसर है, उन्होंने बड़े उत्साह से देश की सेवा की। नए साल पर देश को पहला चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ मिला। पीएम मोदी ने की सेनाओं के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी संभाली। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमारा फोकस तीनों सेनाओं को मिलाकर तीन नहीं बल्कि पांच के पर से साथ करने पर होगा। पीओके के सवाल पर जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जो भी प्लान बनाए जाते हैं वो कभी पब्लिक में साझा नहीं किए जाते। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने राजनीतिक झुकाव के आरोपों पर कहा कि हम राजनीति से दूर रहते हैं, बहुत दूर। हमें सत्ता में बैठी सरकार के निर्देशों के मुताबिक काम करना पड़ता है। सीडीएस बनने के बाद जनरल बिपिन रावत के घर में जश्न का माहौल है, तो पौड़ी में उनके पैतृक घर पर लोगों ने नाक झुकाकर जश्न मनाया। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे जिले में भी खुशी की लहर है। लोगों ने ढोल थापकर जश्न मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आर्मी चीफ ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आर्मी चीफ ने सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा आर्मी चीफ बनना बड़ी जिम्मेदारी। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि नई जिम्मेदारी पूरा एहसास है। सेना के जवान देश को सुरक्षित रखेंगे। तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, तो देश पर आज नहीं आने देंगे। नए साल 2020 का लोगों ने शानदार स्वागत किया। देश भर में धूमधाम से नया साल मनाया जा रहा है, तो दिल्ली यूपी पंजाब समेत देश के कोने कोने में जश्न का माहौल है। रात भर नए साल के जश्न में लोग डूबे। नए साल के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि 2020 शानदार है, ये साल आनंद और समृद्धि से भरा हो। हर कोई स्वस्थ हो सकता है और सभी की आशंकाएं आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। आप सभी को साल 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। कश्मीर को नए साल का तोहफा मिला है। आधी रात से कश्मीर में एसएमएस सुविधा बहाल हुई, तो वही इंटरनेट सेवाएं भी शुरू की गई हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद घाटी में पाबंदी लगाई गई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो हिंसा हुई उसके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि ये लोग हिंसा पर चुप हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन फिलहाल जारी है। नववर्ष पर सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नववर्ष 2020 की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। आइए हम सब मिलकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करें और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को साकार करें। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि देश की एकता, तरक्की और भाईचारे की शुभकामनाओं के साथ सभी अमन चैन पसंद प्रदेश देश विदेश वासियों को नए साल की हार्दिक बधाई। नया साल भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में बंधुत्व का नया युग बनकर आएगा। लोगों ने न्यू ईयर के पहले दिन मंदिरों में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सुबह गंगा के कई घाटों पर मां गंगा की भव्य आरती की गई। इस दौरान देश विदेश के हजारों सैलानी इसके साक्षी बने। पूरा वातावरण मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। मंदिरों में नए साल का स्वागत किया गया। नववर्ष को लेकर मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बाबा भोले की भस्म आरती की गई। मंदिर में लोगों का तांता लगा रहा। दूर दराज से हजारों की तादाद में श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचे और नए वर्ष में सुख शांति की कामना की। महाकाल को आज गणेश जी का रूप दिया गया।
देश में नए साल का आगाज हो चुका है। लोगों ने कई जगहों पर आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। लोगों ने रेस्टोरेंट, पबों, मॉल और अन्य स्थानों पर जोरदार ढंग से नए साल का स्वागत किया, पुराने साल को विदाई दी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने भी औली में धूमधाम से नए साल का स्वागत किया। सभी जवान गानों की धुन पर जमकर थे। नए साल पर झारखंड की राजधानी रांची में भी युवाओं का अंदाज मस्ती और उमंग में डूबा दिखा और R9 टीवी के डायरेक्टर अविनाश कुमार और विरोध सिंह ने भी देशवासियों को नए साल की बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी तो उन्होंने सभी से देश और प्रदेश की तरक्की के लिए काम करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि जो पार्टी आपके लाभ के लिए राजनीति कर रही है उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। देश में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए। सीएम योगी ने साल में प्रदेश के विकास के लिए बहुत से अहम फैसले ले रहे हैं। सीएम योगी ने युवाओं के लिए नए साल में करीब 25,000 पदों पर नई नौकरियों का मौका दिया है तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में 25,000 पदों पर नौकरियों के अवसर देगा। इसमें करीब 15,000 नई भर्तियां होंगी जबकि करीब 10,000 खाली पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर अंतिम रिजल्ट देने की तैयारी। साल 2020 के गोरखपुर महोत्सव का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। 11 से 13 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। इस सिलसिले में गोरखपुर के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। महोत्सव में शिल्प मेला और बॉलीवुड के कलाकारों के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे तो साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए बाल फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। नियुक्ति विभाग ने यूपी कैडर के सभी आईएएस अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आईएएस अधिकारियों को साल 2019 की अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आदेश जारी हुआ है। मेरठ में विक्टोरिया पार्क स्थित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के भंडार गृह स्टोर में भीषण आग लगने के मामले में अब उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। जांच के लिए निर्देश वाणिज्य आईपी सिंह और महाप्रबंधक लेखा दो अधीक्षण अभियंताओं समेत 4 सदस्य समिति गठित की गई है। एमडी अरविंद मलप्पा बंगाली ने विद्युत भंडार मंडल के अधीक्षण अभियंता को चार्ज शीट दे दी है। साथ ही उनका तबादला मेरठ में संभल कर दिया गया है। इसके अलावा अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और सहायक भंडारी विद्युत भंडार केंद्र मेरठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ एमडी के निर्देश पर जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है जहां 48 घंटे में जांच पूरी कर रिपोर्ट एमडी को देगी। नए साल की सुबह मथुरा एक्सप्रेस वे पर क्रेटा गाड़ी में 3 लाश मिलने से सनसनी मच गई। यहां गऊघाट के एक सराफा व्यापारी का परिवार एक गाड़ी के अंदर मृत मिला तो वही कारोबारी का बेटा गंभीर रूप से घायल मिला। उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शामली में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है तो वहीं इंटरनेशनल सिंगर अजय पाठक और उनके परिवार की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई। उनका 10 साल का बेटा बहसीमे हालात में गायब हो गया था, उसकी भी बॉडी मिल गई है। अब एक आरोपी को हिरासत में लिया भी गया है तो वहीं आरोपी गाड़ी और शव में आग लगाने का प्रयास कर रहा है। अलीगढ़ में गेस्ट हाउस के मालिक की दबंगई से प्रशासन भी पस्त हो चुका है। 3 बार अवैध ठहराए गए गेस्ट हाउस को एडीए की तरफ से सील करके मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है लेकिन गेस्ट हाउस का मालिक कानून को ताक पर रखकर हर बार सील तोड़कर गेस्ट हाउस चलाना शुरू कर देता है। गेस्ट हाउस मालिक की संकट पर एक बार फिर मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र में चल रही नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की वजह से फैक्ट्री की छत का लेंटर फट गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया तो आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। नए साल को लेकर आबकारी विभाग सतर्क नजर आया तो नए साल पर हंगामा करने वालों पर लगाम की कोशिश के तहत हरदोई में जगह जगह होटलों पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की जिससे होटल कर्मियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान होटलों में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला।
हरदोई में खनन माफियाओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर खनन विभाग और पुलिस ने ईंट भट्टे पर पहुंचे और अवैध रूप से खनन करती दो जेसीबी मशीन बरामद की है। दोनों जेसीबी मशीन को सीज कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। मौका पाकर खनन माफिया मौके से फरार हो गए, तो वहीं मौके पर जेसीबी से खुदाई करने वाले मजदूर भी मौका पाकर भाग निकले। सुपर 50 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। बहत्तर साल के इस आजाद मुल्क में ये सवाल तो पूछना होगा कि आज भी जात, धर्म, समाज, क्षेत्र, हिंदू, मुस्लिम क्यों और आखिर कब तक? तिरंगा छोड़ बाकी झंडों के तरफदार, नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, आखिर कहां तक? जो राष्ट्र सीमा पर एक नजर आता है, देश के अंदर आखिर कैसे बिखर जाता है, खुदगर्जी में खोखला बन जाता है। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए पहले है। मेरा आपसे सीधा सवाल कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी, इंसानियत? और सवाल पूछना हमारा धर्म। R9 राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। खबरों का कोई मजहब नहीं होता, ना मजहब में खबर होती है। खबरों की सीमा भी नहीं होती, पर खबरें एक सीमा में होती हैं। खबरों की कोई विचारधारा नहीं होती, पर विचारधाराओं में खबर होती है। लेकिन मजहब सीमा और विचारधाराओं से भी ऊपर होता है राष्ट्र, यानी राष्ट्रधर्म सर्वप्रथम। R9 TV। आगरा में एक और वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ लड़के लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में ये लड़के को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे हैं। आगरा के पश्चिमपुरी चौराहा सिकंदरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा के अजरेरा क्षेत्र के किरावली में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों ने यहाँ अलग अलग जगहों दो लूट की वारदातों को अंजाम दिया। पहली लूट बदमाशों ने मेडिकल कारोबारी से की है, तो वहीं बदमाशों ने मिठाई की दुकान में घुसकर विरोध की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। दोनों घटनाएं CCTV में कैद हो गई। हापुड़ के गढ़ कोतवाली इलाके में मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। कुछ दबंगों ने अवैध तमंचे से फायरिंग भी की, तो वहीं पथराव और फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में विधायकों से ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए मिलने वाली धनराशि अब सीधे उनके खाते में जाएगी। नए साल से पंचायतों के खातों में विकास कार्यों का पैसा अब सीधे पहुंचेगा। इसके लिए जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों के खातों को लोक वित्त प्रबंधन व्यवस्था सर्वर से 15 दिन के अंदर जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी कर रही है। शासन स्तर पर कई अधिकारियों के प्रभार को बदला जाएगा, तो शासन स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल का खाका तैयार किया जा रहा है। वहीं कुछ जिलों में बदले जा सकते हैं जिलाधिकारी। जनवरी के पहले हफ्ते में तबादला आदेश जारी होने की संभावना है। उत्तराखंड के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी में फिर वापसी हो सकती है। चैंपियन का हथियारों के साथ वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। चैंपियन के देशराज कर्णवाल के साथ बात करने के बनने के जो प्रयास हैं वो लगाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर प्रणव सिंह चैंपियन और देशराज कंडवाल के बीच चल रहा सुलह विवाद सुलझ गया है। दोनों ने एक दूसरे पर दर्ज कराए मुकदमों को वापस लेने की बात कही तो वहीं देशराज कंडवाल ने कहा कि बीजेपी संगठन के दिशा निर्देशों पर काम करेगा। उधर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। कानपुर में तापमान जीरो तक लुढ़का तो सर्द हवाओं के साथ कोहरे का भी अटैक। कोहरे की वजह से रेल हवाई उड़ाने और रोड ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में ओले पड़ने की आशंका जताई है। विकासनगर में लगातार पड़ रही जानलेवा सर्दी के प्रकोप से जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है लेकिन सर्दी के रूप में पड़ रहे पाले और कोहरे की वजह से कृषि भी प्रभावित हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक फसलों के लिए वक्त अलर्ट का है। जबरदस्त पाले और कोहरे के चलते किसानों की रबी की फसलों में बागवानी में फसलों को नुकसान हो रहा है तो वही वैज्ञानिकों ने एडवाइस भी जारी करते हुए कहा है कि किसान फसलों को नुकसान से बचाने के लिए बागवानी में धुआं करें और अन्य फसलों में लगातार सिंचाई करते रहें। साथ ही गंधक के स्प्रे का भी फसलों में इस्तेमाल करें। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से चल रही बर्फीली हवाओं से पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। औरैया जिले में भीषण ठंड और शीतलहर की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है तो सर्दी ने पिछले 48 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यहां तापमान 2 डिग्री पर पहुंचने की वजह से लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं तो कोहरे की वजह से जहां विजिबिलिटी भी खत्म हो गई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की इजाजत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उसे इस वसूली में कोई आपत्ति नहीं। रेलवे ने यात्री किराए में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी अधिकतम 4 पैसे प्रति किलोमीटर तक की गई है। इससे यात्रियों को पहले की तुलना में अब ज्यादा किराया चुकाना होगा जिसका लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर बड़ा असर होगा। आज से नया किराया लागू हो गया। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में बैंक कर्मचारी की मौत हो गई है तो वहीं जनवरी कर्मचारी के लिए छुट्टियों की सौगात लेकर आया है। जनवरी 2020 में बैंकों की लंबी छुट्टियां हैं। रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक पूरे जनवरी में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। इन दिनों बैंकों का कामकाज बंद रहेगा। इसमें सरकारी और निजी बैंक दोनों की छुट्टियां शामिल है। 10 छुट्टियां महीनों के 2, 4 शनिवार और हर रविवार को भी बैंक बंद रहेगा। नए साल पर इसरो चीफ के सिवन ने 2019 की उपलब्धियां और 2020 के टारगेट को बताया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में नया स्पेस पोर्ट बनाया जाएगा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो 3 GPP ने हमारे नाविक को अप्रूव कर दिया है इसलिए जल्द ही देश के सभी मोबाइल में अपना GPS होगा। इसरो चीफ ने कहा है कि चंद्रयान 3 को सरकारी अनुमति मिल गई। चंद्रयान 3 एकदम चंद्रयान 2 जैसा होगा लेकिन इस बार सिर्फ लैंडर रोवर और प्रोपल्शन मॉडल होगा। भारत में नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी जाने का असर बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश ने भारत से लगती सीमा पर मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। बांग्लादेश सरकार को आशंका है कि भारत से मुस्लिम घुसपैठिए वापस लौट सकते हैं। इसके मद्देनजर ही बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल की बधाई देते हुए ईरान को बहुत सख्त अंदाज में चेतावनी दी है। परमाणु समझौते से अलग होने के बाद से अमेरिका का रुख ईरान के लिए बहुत सख्त रहा है। इराक में अमेरिकी दूतावास के बाहर ईरानी समर्थकों के प्रदर्शन और पत्थरबाजी पर ट्रंप ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी। नए साल 2020 की चुनौतियां विराट कोहली का इंतजार कर रही हैं। मौजूदा दौर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार कोहली को बल्लेबाज के तौर पर ही नहीं कप्तान के तौर पर भी इस साल अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। उनके लिए अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए बड़ा मौका है। 2020 में विराट कोहली के सामने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे बड़ी चुनौती है। कोहली के कप्तानी का लिटमस टेस्ट इसी टूर्नामेंट में होगा। नए साल का बॉलीवुड सेलेब्स ने भी धमाकेदार तरीके से स्वागत किया। बॉलीवुड की बेवो करीना कपूर खान ने अपने हस्बैंड सैफ अली खान और बेटे तैमूर के साथ स्विट्जरलैंड में नए साल का शानदार तरीके से वेलकम किया तो न्यू ईयर पार्टी की तस्वीरें सबसे ज्यादा ध्यान करीना और सैफ के लिटिल मंचकिन तैमूर अली खान अपनी ओर खींच रहे हैं। सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है। आयुष शर्मा और अर्पिता दूसरी बार माता पिता बने हैं और अब आज अर्पिता बेबी आयत को लेकर अस्पताल से घर पहुंची। आयुष ने अपनी ननी परी आयत और पत्नी अर्पिता के लिए खास तैयारियां की थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो और एक तस्वीर भी साझा की जिसमें उनके वेलकम की झलक साफ दिखाई दे रही है।
हरियाणवी सुपरस्टार सपना चौधरी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। सपना ने खुद इस बात का खुलासा किया है, लेकिन अभी तक सपना ने अपने होने वाले पति का नाम नहीं बताया है। सपना न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाबी, भोजपुरी और बॉलीवुड में भी अपने डांस के जलवे बिखेर चुकी है।